नमस्कार, मैं दिव्या, आज के इस रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस एसआई और एएसआई व कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर 2024 के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 1906 पदों पर है, जिनमें यूपी पुलिस एसआई के 268 पद, यूपी पुलिस एएसआई कलर के 449 पद, यूपी पुलिस एएसआई लेखा के 204 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पद और प्रोग्रामर ग्रेड दो के 55 पद शामिल है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2024 है। हालांकि आवेदन में शुल्क समायोजन एवं संशोधन आप 30 जनवरी 2024 तक भी करवा सकते हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। चलिए बात करते हैं उम्मीदवारों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क के बारे में। तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपये लिए जाएंगे। यदि बात करें उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की, तो इन्हें भौतिकी और गणित विषय के साथ इंटरमीडिएट पूरा करना जरूरी है। इसके अलावा उन्हें कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा को भी पूरा करना जरूरी है। हालांकि इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना को देख सकते हैं, इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए अब जानते हैं उम्मीदवारों को मिलने वाले वेतन के बारे में। तो एएसआई के पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 9,300 से लेकर 34,800 रुपये और ग्रेड पे 4,200 रुपये, लेवल 6 को 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा एएसआई कलर को 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे 2,800, लेवल 5 में 29,200 से लेकर 92,300 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही एएसआई अकाउंटेंट को 5,200 से लेकर 20,200 रुपये और ग्रेड पे 2,800, लेवल 5 पर 29,200 से लेकर 92,300 रुपये दिए जाएंगे। यदि उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें, तो इनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। बात करें उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के बारे में, तो इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक मानक परीक्षा, कंप्यूटर टाइपिंग और आशुलिपि परीक्षा, कंप्यूटर टाइपिंग आदि से पास होना जरूरी है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों से बनेगी। उसके बाद लिखित परीक्षा 400 अंकों की होंगी, जिसमें सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान से 100 अंक, सामान्य जानकारी सामिक विषय में 100 अंक, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक और मानसिक अभिरुचि या तार्किक परीक्षा 100 अंक के पूछे जाएंगे। यह परीक्षा पूरे 2.5 घंटे की होगी, जिसमें कुल 400 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में पास होंगे, उन्हें शॉर्ट हैंड की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होंगी। आइए आखिर में हम जानते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि उम्मीदवार एक बार इसके अधिसूचना को जरूर पढ़ लें, उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ आने के बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करें, आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, आवेदन कर रहे सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।